हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कटार सिंह क्लासेस। आज हम क्लास 10 मैथ्स चैप्टर नंबर 4 का एग्जांपल नंबर 3 और इसके आगे के कुछ और एग्जांपल डिस्कस करेंगे। देखते हैं एग्जांपल नंबर 3 में क्या है। फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इस इक्वेशन के रूट निकालने हैं, वो भी कौन से मेथड से, फैक्टराइजेशन मेथड से, जो कि आप सीख चुके होंगे अब तक, क्योंकि इससे पहले वाली वीडियो में मैंने बार बार फैक्टराइजेशन मेथड से ही क्वेश्चन कराए हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, 2x² - 5x + 3 = 0। ठीक, अब इसमें क्या करेंगे आपको पता होना चाहिए। रूल क्या बोलता है, रूल ये बोलता है ये एक्स स्क्वायर के आगे वाला कोफिशिएंट और ये कांस्टेंट टर्म दोनों के इंटू करो, 2 3 जा कितने हो गए 6, यानी कि आपको मल्टीप्लाई करके 6 लाना है। ठीक है, अभी आगे देखो, अब इसके कांस्टेंट टर्म के आगे देखो प्लस बना हुआ है, तो प्लस करके कितना लाना है, जो एक्स की पावर 1 के साथ लिखा हो, कितना लिखा हुआ है 5। तो आपको दो नंबर ऐसे ढूंढने, अगर मैं उन दोनों की इंटू कर दूं तो क्या आ जाए 6, और उन दोनों को क्या कर दूं प्लस कर दूं तो कितना आ जाए 5। यहाँ पे तो आपको साफ दिख रहा है 2 और 3 है, 2 की 3 में इंटू करेंगे 6, 2 और 3 को ऐड करेंगे तो 5। तो कर लेते हैं सॉल्व फटाफट, 5x - 3 = 0। अब देखो यहाँ 5 को इस टर्म को स्प्लिट कर दो दो हिस्सों में, कैसे, 2 + 3। इस फैक्टराइजेशन मेथड का एक और नाम है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, 2 + 3x + 3 = 0। अब इधर से माइनस की इंटू, इधर से एक्स की इंटू कर दो, 2x² - 2x करोगे तो 2x + - - और एक्स की करोगे तो 3x। देखो क्या करना है बताता हूँ, इधर से माइनस की इंटू प्लस माइनस, एक्स की करना है 2x और 3 में करेंगे 3x। इन दोनों में से क्या कॉमन है, 2x कॉमन है, तो क्या बचेगा, 2x गया तो बाहर x बचा और यहां से गया तो 1 बचा। इन दोनों में से क्या कॉमन है, प्लस का 3 कॉमन है, मगर मैं प्लस का कॉमन नहीं लूंगा, क्यों, अगर आप देखो सुनो, प्लस का कॉमन लेते हो क्या होगा, 3 गया बाहर, माइनस का x, ये 3 गया प्लस का 1, मगर ये ब्रैकेट सेम नहीं बने, ये दोनों ब्रैकेट सेम नहीं बने, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। जैसे ही आप माइनस कॉमन लोगे तो माइनस माइनस प्लस और ये वाला प्लस माइनस माइनस, क्लियर। अब देखो इस में से और इसमें से क्या कॉमन है, पूरा x माइनस 1 कॉमन है, ये गया और ये भी गया, तो क्या बचा, 2x - -3 बचा, 2x और माइनस, अब एक बार ये 0 एक बार ये 0, अगर x माइनस 1 0 तो x कितना आएगा, प्लस का 1, क्योंकि माइनस का 1 उधर जाएगा, और यहाँ पे क्या आएगा, 2x - 3 अगर 0 तो माइनस के 3 को उधर भेजूंगा तो मैं कैसा हो जाएगा, वो हो जाएगा प्लस का, 0 में 3 जुड़ेगा 3, अब ये 2 मल्टीप्लाई में तो कहाँ जाएगा, डिवाइड में, तो ये डिवाइड में भेज दो इसे अब नीचे, तो 3/2, एक आंसर ये रहा आपका और एक आंसर ये रहा। ठीक है, तो हमारा एग्जाम्पल में 3 हो गया। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं हम क्या लिखा हुआ है, फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके भी रूट निकालने हैं। ठीक, मगर इसमें बोला नहीं है कौन से मेथड से, हम फिर भी प्राइम फैक्टर वाला मेथड ही लगाते हैं अभी, फैक्टराइजेशन मेथड। क्या लिखा हुआ है, 6x² - x - 2। अब देखो यहाँ पे फिर से मैंने क्या बोला था, एक्स स्क्वायर के साथ वाला कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म, इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, 6 2 जा कितने हो गए 12, यानी कि आपको मल्टीप्लाई करके कितना लाना है, 12 लाना है। अब यहाँ पे देखो माइनस है और यहाँ कुछ नहीं तो क्या मानेंगे, 1, माइनस करके कितना लाना पड़ेगा आपको, 1, जो x की पावर 1 का कोफिशिएंट हो ना वो लेके आना होता है प्लस या माइनस करके, आपको मल्टीप्लाई करके तो लाना है 12 और माइनस करके क्या लाना है आपको 1। तो ऐसे केस में अगर आपको ना पता लगे कि ऐसे दो नंबर क्या ढूंढूं मैं कि दोनों के इंटू करूं 12 आ जाए और दोनों को माइनस करूं तो कितना आ जाए 1, ना पता लगे तो आप क्या करो, जो मल्टीप्लाई करके लाना है ना उसी का एलसीएम निकालो, देखो फैक्टर्स करो उसके, करो 2 6 = 12 2 3 = 6 3 1 = 3, तो क्या आया 2 × 2 × 3 आया। अब इन्हीं से कॉम्बिनेशन बना लो, देखो 2 × 2 = 4 और 3, 4 में 3 गया तो 1 बचेगा और 4 दिया 12। ठीक है, समझ के कैसे करना है, तो अब यहाँ पे आप इसको कॉपी करो, तो यहाँ पे इस 1 की जगह पे क्या लिख दूंगा, 4 - 3, इस टर्म को स्प्लिट कर देंगे 4 - 3, बाकी सारा सेम, x भी इस 1 की जगह लिखा है, बस ये किसकी जगह लिखा है, 1 की जगह। अब देखो इधर से माइनस की इंटू करेंगे, पहले तो इसे कॉपी करो, प्लस माइनस 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 प्लस, अब इधर से x की भी इंटू करनी पड़ेगी, वो भी मल्टीप्लाई में है, 4 में करेंगे तो 4x 3 में करेंगे तो 3x, बोलो ठीक है। अब बताओ इन दोनों में से क्या कॉमन है, 6 और 4 में से 2 कॉमन है, 2 के टेबल में ये भी आता है ये भी आता है, और दोनों में से x भी कॉमन है, तो 2x गया बाहर, तो 2 3 = 6,
एक्स, एक एक्स बचा और टू टू जा फोर और एक्स तो गया। इन दोनों में से क्या कॉमन है? कुछ भी कॉमन नहीं। देखो यहाँ तीन है या दो है, यहाँ पे एक्स है, एक्स है ही नहीं। अब जहां पे कुछ भी कॉमन नहीं होता वहां पे हम क्या मान लेते हैं? वहां मान लेते हैं वन कॉमन। ठीक, तो प्लस का वन कॉमन आएगा तो क्या बचेगा? थ्री एक्स माइनस टू। बोले ठीक है, ये सब जो नीचे किया था मैंने, ये सब क्या है? ये सब रफ है, ठीक है, रफ वर्क है सारा। अब देखो इस पूरे में से और इस पूरे में से क्या कॉमन आ गया? थ्री एक्स माइनस टू, ये गया बाहर तो ये बचा टू एक्स, और ये गया बाहर तो क्या बचा वन। और एक बात बता दूं मैं आपको, ये दोनों ब्रैकेट सेम बनने चाहिए। अगर सेम नहीं बने मतलब आपने मिस्टेक करी है, सेम हमेशा बनेंगे। ठीक, अब एक बार ये जीरो, एक बार ये जीरो। अगर थ्री एक्स माइनस टू को मैं जीरो लेता हूं तो एक्स कितना आएगा? माइनस का टू उतर गया तो प्लस का मल्टीप्लाई में तो कहां जाएगा? डिवाइड में, तो एक्स आ गया। इस वाले में टू एक्स प्लस वन को अगर जीरो लेता हूं, प्लस का वन उतर गया तो माइनस का, अब टू मल्टीप्लाई में तो कहां जाएगा? डिवाइड में। तो एक आंसर ये रहा, एक आंसर ये रहा। और आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री या इसकी पावर, सबसे बड़ी पावर दो होती है, तो इसके आंसर भी कितने आएंगे? दो ही आएंगे। देखो हर बार दो ही आंसर आते हैं, ठीक है, जितनी डिग्री होती है जितनी पावर होती है उतने इसके आंसर आते हैं। क्लियर, अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। नेक्स्ट एग्जाम्पल आपका फाइव एग्जाम्पल, इसमें क्या है? फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके रूट निकालो। मगर इसमें पता है बच्चे से देख के डर जाएंगे, क्यों? क्योंकि इसमें रूट लगा हुआ है, रूट वाले को उन्हें लगता है रूट से थोड़ा उनके माइंड में टिपिकल कंसेप्ट बना हुआ है। कैसे करना? करना वैसे ही जैसे अभी पीछे किया। ठीक, कैसे करेंगे? देखो इसकी और इसकी इंटू करेंगे तो मल्टीप्लाई करके कितना लाना पड़ेगा? थ्री इंटू टू, थ्री टू जा सिक्स। और देखो यहाँ पे क्या प्लस, और प्लस करके क्या लाना है आपको यहाँ पे? एक चीज यहाँ पे एक्स लिखा हुआ है, प्लस करके क्या लाना है? एक्स की पावर वन के साथ क्या लिखा हुआ है? पूरा लिखा हुआ है टू रूट सिक्स, तो प्लस करके लाना है टू रूट सिक्स। अब कोई नंबर ऐसे ढूंढो दो कि मैं उन दोनों की इंटू करूं तो क्या आ जाए? छ आ जाए। और दोनों को जोड़ दूं, क्या कर दूं? जोड़ू, ऐड करूं तो कितना आ जाए? टू रूट सिक्स आ जाए। अब कभी भी हम इंटू करते रूट तो कभी नहीं आता, सोचो जरा दिमाग से, हम जब भी दो नंबरों को इंटू करते रूट आ जाता है? कोई नहीं आता। तो इसके लिए आप क्या करोगे? सुनो, आपको ये पता होना चाहिए जब मैं रूट सिक्स की रूट सिक्स में इंटू करूंगा तो क्या आएगा आंसर? बताओ, जब मैं रूट एक्स की रूट एक्स में इंटू करता तो क्या होता है? रूट हट जाता है, खाली एक्स हो जाता है। ऐसे यहाँ क्या होगा? सिक्स हो जाएगा। और अगर मैं यहाँ पे भी यही लिख दूं रूट सिक्स और रूट सिक्स इंटू करूं तो छह आएगा। और अगर मैं दोनों को जोड़ूंगा तो एक रूट सिक्स, एक रूट सिक्स कितने हो गए? दो रूट सिक्स। ठीक है, इस वाले में आपको थोड़ा ध्यान रखना कि इस टाइप से करना है। अभी और भी आएंगे रूट वाले, और समझा दूंगा, आप इसे अभी कॉपी करो। प्लस का टू बराबर जीरो, इसे स्प्लिट कर दो इस वाले बीच वाले टर्म को। थ्री एक्स स्क्वायर माइनस रूट सिक्स प्लस रूट सिक्स, प्लस का टू इज इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पे माइनस से इंटू, इधर से एक्स से इंटू, तो थ्री एक्स स्क्वायर माइनस रूट सिक्स एक्स प्लस माइनस, देखो माइनस की इसमें होगी तो प्लस माइनस माइनस, इसकी इसमें होगी तो प्लस माइनस माइनस। ठीक है, और एक्स की इसमें होगी तो एक्स आ गया, और एक्स की इसमें होगी तो एक्स आएगा। एक्स की दोनों में इंटू होके लिख गया है, और प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, कन्फ्यूज मत हो जाना इसमें। अब यहाँ पे सबसे बड़ा, अब इसके बाद यहाँ पे गलती कर देंगे बच्चे। क्या गलती करेंगे? देखो क्या गलती होगी, उन्हें देखेगा तीन और रूट सिक्स में कुछ भी कॉमन नहीं है, मगर कॉमन है। सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखो, जब क्या, देखो ये अगर मैं बात करूं तीन की, क्या तीन को लिख सकता हूं रूट थ्री इंटू रूट थ्री? रूट थ्री की रूट थ्री में इंटू होगी तो क्या आएगा? तीन। और ऐसे यहां पे एक और है टू, टू को लिखूंगा रूट टू इंटू रूट टू, क्योंकि उसकी इंटू करेंगे टू आएगा। और रूट सिक्स को मैं लिख सकता हूं अंदर, तीन इंटू दो, तीन दो निशा। रूट को हम मल्टीप्लाई में सेपरेट कर सकते हैं, प्लस माइनस में नहीं कर सकते, मल्टीप्लाई में कर सकते हैं और डिवाइड में कर सकते हैं, ऐसे अलग अलग। तो अब यही करना है यहाँ पे, ये रूल लगाना है पूरा। तो तीन को लिख दो यहाँ पे रूट थ्री इंटू रूट थ्री, तब पता लगेगा आपको कॉमन क्या आएगा। रूट सिक्स को लिख दो रूट टू इंटू रूट थ्री, रूट सिक्स इसको भी लिख दो रूट टू इंटू रूट थ्री, और ऐसे इसको लिखो, टू को लिख दो रूट टू इंटू रूट टू इजिकल टू, जब तक ये नहीं लिखोगे तो मैं समझ में नहीं आया क्या कॉमन है। अब देखो आप साफ दिख जाएगा क्या कॉमन है। देखो इन दोनों में से देखो क्या कॉमन है, रूट थ्री यहाँ पे भी है और रूट थ्री कॉमन आ रहा है। और देखो एक्स की दो पावर, एक्स की एक पावर, तो एक्स की एक पावर कॉमन आएगी, तो देखो ये गया तो क्या बचा यहाँ पे? रूट थ्री। और एक्स की एक पावर तो बची, एक ही पावर तो गई है, यहाँ से रूट थ्री गया और एक्स भी गया तो क्या बचा? सिर्फ रूट टू बचा। ठीक है,
अब इसमें आओ, इसमें आपको दिख रहा होगा रूट टू कॉमन है, देखो गौर से, तो आप क्या कॉमन लोगे, रूट टू कॉमन लोगे। मगर एक चीज नोटिस करो, अब यहाँ पे यहाँ एक्स के साथ वाला प्लस का साइन है, कैसा साइन है, और यहाँ पे एक्स के साथ वाला कैसा साइन है, माइनस का, तो मुझे माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, ताकि माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस, बोलो ठीक है। अब देखो इसमें से और इसमें से क्या कॉमन है, पूरा है ब्रैकेट कॉमन है, रूट थ्री एक्स माइनस रूट टू, ये पूरा बाहर चला गया तो क्या बचा, रूट थ्री एक्स माइनस रूट टू, रूट थ्री एक्स माइनस, दोनों सेम ही बन गए, ठीक है। अब एक बार ये जीरो, एक बार ये जीरो, जब मैं इसको जीरो लूंगा तो क्या होगा, रूट टू उधर जाएगा, तो रूट थ्री एक्स बराबर माइनस का उधर गया तो प्लस का, फिर ये मल्टीप्लाई में तो कहां जाएगा, डिवाइड में, तो एक्स क्या आएगा, रूट टू अपॉन में रूट थ्री, और इससे भी सेम ही आएगा आंसर, यही आएगा, दोनों आंसर सेम है, यहाँ पे दोनों क्या है, सेम है, इसे बोलते हैं इक्वल रूट्स, ठीक है। तो हमारा फिफ्थ पार्ट हो गया, रूट का ध्यान रखना, रूट के केस में थोड़ा ये चीज ध्यान रखनी पड़ती है, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं एग्जांपल नंबर सिक्स, क्या लिखा हुआ है, फाइंड द डायमेंशन ऑफ प्रेयर हॉल डिस्कस्ड इन सेक्शन 4.1। आप जब ये चैप्टर फोर स्टार्ट हुआ है वहां के उसके फर्स्ट पेज पे दे रखा है कुछ सेक्शन 4.1 के बारे में, वहां पे लिखा हुआ है एक प्रेयर हॉल है जहां बच्चे प्रेयर करते हैं, ठीक है। उस हॉल में बोला है उसकी जो ब्रेथ है वो तो एक्स मान ली मैंने, ब्रेथ क्या मान ली मैंने, एक्स, और उसकी जो लेंथ है वो ब्रेथ का ट्वाइस और प्लस वन मोर है, ठीक। तो बोला है उसका पूरा एरिया कितना है, ये पूरा एरिया है उसका, क्या है, उस हॉल का एरिया। तो आपको पता है एरिया होता है एल इंटू, एरिया तरह का 300, एरिया क्या होता है एल इंटू बी, और जब आप यहाँ पे एल रखोगे 2x प्लस 1 और बी रख दोगे कितना, x, और जब आप इसे इंटू करोगे इसकी इसमें, तो यही इक्वेशन बन जाएगी, करके देख लेना। तो मुझे बस ये इक्वेशन सॉल्व करनी है और इसकी डायमेंशन बतानी है, डायमेंशन मतलब x निकाल के यहाँ पे रख देना, लेंथ और ब्रेथ बतानी है, ठीक। आपको अगर डिटेल में पढ़ना है तो आप चैप्टर फोर के फर्स्ट पेज में पढ़ लेना, बुक में प्रिंटेड है। तो मैं करता हूँ इसके फैक्टर्स क्या है, देखो फैक्टर करने से पहले 2x² प्लस x माइनस 300, ठीक। आपको पता है फैक्टर कैसे करते हैं, इसकी इसमें इंटू होगी, 300 की इंटू किसमें, 300 की इंटू किसमें, 2 में, तो कितना आएगा 600, और माइनस करके कि देखो यहाँ पे देखो साइन कैसा है, माइनस का है ना, मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ, देखो सुनो। आपको पता है जब भी फैक्टर करते हैं तो इसकी एक्स स्क्वायर की वाले कोफिशिएंट और कॉन्स्टेंट की इंटू करते, तो वो आ गए 600, यानी कि आपको मल्टीप्लाई करके कितना लाना है, 600 लाना है, ठीक। अब यहाँ पे माइनस है तो आपको माइनस करके लाना है, कितना लाना है माइनस करके, जो यहाँ पे लिखा होगा वो कितना है, 1 लिखा हुआ है, ठीक। तो आपको माइनस करके 1 लाना है, तो आपको दो नंबर ऐसे ढूंढने की उनकी इंटू करूं, क्या करूं, इंटू तो ये आ जाए, और उन दोनों को माइनस करूं तो कितना आ जाए, 1 आ जाए। उसके लिए हम क्या करते हैं, इसी का एलसीएम निकालेंगे, 600 का निकाल लो, 2 से कट करा, फिर 2 से कट करा, फिर 3 से, फिर 50 हो किससे, 2 से काट देते हैं, फिर 5 दो बारी में आएगा। तो क्या आया फैक्टर्स, 2 × 2 × 3 × 2 × 5 × 5, देखो मुझे साफ दिख गया, ये रहा 2 × 4 = 4, 4 × 3 = 12, 12 = 24 हो गया, और 5 × 5 = 25, 25 में से 24 जाएंगे तो क्या बचेगा, 1 बचेगा, ठीक है। 25 में से 24 जाएंगे तो 1 बचेगा, और इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो 600 ही आएगा, क्लियर। तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसे सारे को क्लीन कर रहा हूँ, फिर मुझे स्पेस मिल जाएगा। तो देखो क्या हुआ था, प्लस एक्स माइनस 300 = 0। अब आप क्या करोगे, सुन लो, जहाँ 1 लिखा हुआ है वहां पे क्या करोगे, 25 − 24 स्प्लिट कर दिया, 25 में 24 गए तो 1। अब इधर से x की इंटू कर दो, 2x² + 25x − 24x − 300 = 0। इन दोनों में से क्या कॉमन है बताओ, देखो यहाँ 2 है 25 तो 5 × 5 होता है, तो उसमें 2 तो होगा नहीं, तो यहाँ पे सिर्फ x कॉमन है, ठीक है। इन दोनों में से पहले x कॉमन ले लो, तो कितना बचेगा, 2x + 25। अब आपको इन दोनों में सोचना क्या कॉमन है, उसके लिए क्या करेंगे, सुन लो मेरी बात, देखो आपको यहाँ पे 2 चाहिए ना, तो आपको इस ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे 2 चाहिए। अब यहाँ पे क्या लिखा, 24, तो 2 से डिवाइड कर दो इसको 24 को, तो 2 × 2 = 0, फिर 4 आया, 2 × 2 = 4, 12 आएगा, कितना आएगा, यानी कि आपको 12 कॉमन लेना पड़ेगा। और एक बात और सुनो, ये दोनों प्लस के कैसे, और यहाँ माइनस है दोनों, तो माइनस भी कॉमन लेना, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस,
और यहाँ 12 चला गया तो क्या बचा, 2 बचा, 12 से डिवाइड कर दिया यानी कि, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो गया, इससे डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, यही आएगा 25। अगर आपको ये समझ में नहीं आया, देखो मैं दूसरा तरीका बताता हूँ, तरीके बहुत है मेरे पास। देखो 24 को लिखो 2 × 2 × 2 × 3, यही फैक्टर होंगे, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 × 3 = 24। अच्छा 300 के फैक्टर निकालो, किससे निकालो 300 के, उसके फैक्टर आएंगे 2 × 2 = 4, नहीं 2 × 5 = 10, फैक्टर निकाल लेते लो ऐसे फटाफट थोड़ा सा जल्दी, 300, 2 से कट करो 150, फिर 2 से 75, फिर 3 से 25, फिर 55, ये आएंगे 2 × 2 = 3, 5 × 5, 2 × 2 = 3, 5 × 5। देखो क्या कॉमन है, एक ये रहा 2 कॉमन, एक ये 2 कॉमन, एक ये 3 कॉमन, 2 × 4 = 4, 12 ही तो कॉमन है, इसलिए मैंने 12 कॉमन लिया। जब आपने 12 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या बचा, बस खाली यहाँ पे बचा खाली 2, तो इसलिए यहाँ 2 बचा है देखो, और यहाँ पे 12 चला गया तो 5 × 5 का कितना बचा 25। समझ गए कैसे करना है, या तो ऐसे कर लो या फिर दिमाग में बिठा लो, जो ये ब्रैकेट बनेगा वही ब्रैकेट यही बनने वाला है सेम, जो यहाँ बनेगा वही ये बनेगा सेम, अगर सेम बनेगा ठीक है। तो आपको ये सोचना है कि कॉमन क्या लेना है, तो आप ये इसको मैच करो, 24 को 2 से डिवाइड करो कितना है 12, तो मुझे समझ में आ गया 12 कॉमन लेना है, और मैंने देखा दोनों प्लस के हैं और यहाँ माइनस के, तो माइनस भी कॉमन लेना है, ठीक है। तो क्या कॉमन आ गया, अब इसमें से और इसमें से देखो, इस पूरे में से और इस पूरे में से क्या कॉमन है, 2x + 25, ये कॉमन आ गया तो क्या बचा x, और कितना बचा माइनस का 12। अब एक बार ये जीरो, एक बार ये जीरो, अगर मैं इसको जीरो लूंगा तो x कितना आएगा, यहां से देखो प्लस का उधर जाएगा माइनस, और ये मल्टीप्लाई में है तो कहां जाएगा, ये डिवाइड में, और कभी भी लेंथ ब्रेथ नेगेटिव नहीं आती, तो ये वाला आंसर मेरा सही नहीं है। तो अगर मैं इसको जीरो लूं तो x कितना आएगा, माइनस का उधर गया तो प्लस 12 आ गया, और x मैंने किसको माना था, ब्रेथ को, तो उस होल की ब्रेथ कितनी है 12, और उसकी लेंथ क्या होगी, ये री लेंथ 2x + 1, 2x + 1, 2 × 12 + 1, 12 × 24 = 125, क्लियर। तो एग्जांपल नंबर 6 डन। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल कटार सिंह क्लासेस, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए।